Welcome to Software Up Channel, मैं देवेंद्र गुप्ता। गूगल एड फिक्स का ये तीसरा वीडियो है। इसके पहले मैंने दो वीडियो बनाए हैं गूगल एड्स फिक्स करने के लिए। जो आपके ब्लॉग में एड्स नहीं आते हैं उनको फिक्स कैसे करेंगे वो मैंने बताया है। फिर भी बहुत सारे लोगों को कुछ डाउट है तो उस डाउट को मैं आज क्लियर करूंगा। बहुत सारे जो क्वेश्चन किए उसके मैं आंसर दूंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरह से एड को फिक्स किया जाता है। चलो ज्यादा देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, जेट पैक है मेरे वेबसाइट पर, क्या उसके वजह से कोई प्रॉब्लम होता है? तो इसका आंसर है हाँ, उससे प्रॉब्लम होता है। जैसे कि अगर जेट पैक में HTML कंप्रेसर का कुछ फीचर है तो उससे क्या होगा कि आपके जो ऐड हैं वो भी कंप्रेस हो जाएंगे, क्योंकि जो भी हमारे गूगल के ऐड होते हैं जो उनके कोड होते हैं वो HTML में होते हैं, तो इसके वजह से वो आपका जो ऐड है वो कंप्रेस हो जाएगा तो आपके ऐड शो नहीं होंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है, जेट पैक में अगर ऐसी फीचर है कि हम HTML को कंप्रेस करना बंद कर सकते हैं तो उसको आप बंद कर दीजिए। अदरवाइज आप इस जेट पैक को यूज करना बंद कर दें, आप किसी और प्लगइन को यूज करें। जैसे कि मैं आपको रिकमेंड करूंगा यहाँ पे नाइट्रो पैक, इसका वीडियो ऑलरेडी मैंने पब्लिश किया हुआ है कैसे यूज करेंगे, तो इसमें भी HTML कंप्रेस का फीचर है तो आप इसको बंद कर सकते हैं। तो चलो अभी हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मेरे वेबसाइट में होम पेज पर तो एड्स शो हो रही है बट एक दो पोस्ट में एड्स हो रही है लेकिन सभी पोस्ट पे एड्स शो नहीं हो रही है, किसी किसी कैटेगरी में भी एड्स शो हो रही है, प्लीज हेल्प मी इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करें। तो इनका जो प्रॉब्लम है, किसी किसी पोस्ट में इनका एड्स आ रहा है और इनके होम पेज पे एड्स आ रहा है बट सारे पोस्ट में एड नहीं आ रहा है। इसका आंसर ये है कि आपको सबसे पहले चेक करना है आपके जितने भी पोस्ट हैं वो प्रॉपरली इंडेक्स हो चुके हैं या नहीं। अगर आपका पेज इंडेक्स नहीं होता है गूगल पे तो तब तक उसमें एड्स नहीं आएंगे, तो ये आपको सबसे पहले चेक कर लेना है। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको सिंपली चले जाना है, मैं हर एक किसी को ये एडवाइस देता हूँ, आपको सीधा गूगल एडसेंस के डैशबोर्ड पे जाना है। यहाँ पे सिंपली इस पे क्लिक करके यहाँ पे ऑटो ऐड को आपको बंद कर देना है। एक बार ऑटो ऐड बंद करने के बाद वापस से इसको चालू करना है और आपको वेट करना है 24 to 48 आवर, आपका जो एड्स है सारे पोस्ट में दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, तो ये चीज आपको करके देखना है। तो ये करने के बाद आपका, मुझे लगता है आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये देखिए, इन एडसन अकाउंट व्हेन 4 इन एड पर पेज इट शोज रेड कलर गेट कोड बट I have already pasted code in header.page. How to resolve now? Only banner ads are showing. तो इनका क्वेश्चन का आंसर ये है कि यहाँ पे उनका जो 4 पेज का यहाँ पे है, यहाँ पे रेड कलर दिखा रहा है। इनका आंसर मैंने ऑलरेडी इंस्टा पे दे दिया था तो आपको भी बता देता हूँ। कभी कभी हमारे जो हेडर सेक्शन में हमारा जो कोड है वो नहीं अवेलेबल रहता है, इसके वजह से वो यहाँ पे रेड कलर का सिंबल आता है और यहाँ पे दिखाता है जैसे उन्होंने क्वेश्चन लिखा है उस हिसाब से। तो आपको करना क्या है, सिंपली बैक आ जाना है, यहाँ से गेट कोड करेंगे, गेट कोड करने के यहाँ से कॉपी कर लेंगे, उसके बाद आपको चले जाना है सिंपली अपने डैशबोर्ड में और प्लगइन सेक्शन में जाके आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करके रखना है। जैसे कि आपको, अगर आपने मैन्युअली ऐड चलाते हैं तो आपको ऐड इंसर्टर का नाम तो आपने सुना ही होगा। सिंपली सेटिंग में चले जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर चले जाएंगे सेटिंग में वापस से, ऐड इंसर्टर के सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर सिंपली चलाएंगे हेडर में, यहाँ पे आपको उस कोड को पेस्ट कर देना है। ओके, कोड को पेस्ट करने के बाद सिंपली यहाँ पे सेव कर देना है। सेव होते ही बस आपको वापस से चले जाना है अपने एडसन वाले अकाउंट पे, सिंपली आपको वापस से यहाँ पे आना है, इसको ऑटो ऐड को बंद करना है और चालू कर देना है। ठीक है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा कुछ टाइम में। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पे, ब्रो पहले मेरे वेबसाइट पर एड्स शो हो रही थी, फिर मैंने थीम में कुछ कस्टमाइजेशन की थी, फिर एड्स शो होना बंद हो गई, प्लीज कोई सलूशन बता दो। तो यहाँ पे इनका आंसर मैंने, जैसे कि इसके पहले वाले में अभी जस्ट बताया मैंने, इसके पहले जो प्रोसीजर,
यहाँ पे आपको एड इंस्ट्रक्टर आपको इंस्टॉल कर लेना है और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। अलग अलग अगर आप थीम यूज करते रहेंगे तो भी आपको अलग से हर थीम में पेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑलरेडी यहाँ से डिटेक्ट करके ले लेगा। ठीक है, तो आपको थीम के हेडर में डाल कोड को पेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और यहाँ पे हमेशा अवेलेबल रहेगा। इनकेस आपने थीम चेंज किया तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अभी देख लेते हैं। भाई मेरा कल एड्स लिमिट रिमूव हुआ बट अभी तक एड्स शो नहीं हो रहा है, कितना दिन बाद एड्स शो होता है? तो इन्होंने एक क्वेश्चन किया है कि नॉर्मली कितना टाइम लगता है एड्स लिमिट लगने के बाद, कितना टाइम में चालू हो जाता है। आपका आंसर यही है कि नॉर्मली एड लिमिट हटने के बाद आपको एक वीक लगता है पूरा रिजॉल्व होने में। अगर एड लिमिट खत्म होने के बाद भी एड्स शो नहीं हो रहे हैं तो आपको एडसन के हेल्प डेस्क जाना है, वहां से सिंपली मेल करना है आपको। मेल करने के बाद आपका वो जो एड लिमिट हटने के बाद आपका एड चालू हो जाएगा। और दूसरा काम ये करना है, कभी भी एड लिमिट लगने के बाद आपको ये ऑटो एड को डिसेबल करके बंद करके वापस से चालू करना है, ये हमेशा ध्यान रखिए। यहाँ से ऑटो एड बंद करने का मीनिंग ये होता है कि आपका जो एड है वो फिर से पूरा रीसेट होता है, तो इसको बीच बीच में करते रहना चाहिए, आपके एडसन के लिए बेटर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रो आई नीड हेल्प, डेस्कटॉप में एड्स शो हो रहे हैं लेकिन मोबाइल में एड्स नहीं आ रहे हैं। तो इसका आंसर ये है, आपको सबसे पहले चेक करना है अपने मोबाइल से नहीं, दूसरे के मोबाइल से चेक करना है कि आपके एड्स आ रहे हैं कि नहीं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम अपने ही मोबाइल से बार बार चेक करते हैं और गलती से अगर हमने क्लिक किया रहेगा एड और गूगल ने उस आईपी को डिटेक्ट किया बार बार एड्स क्लिक करने की वजह से, तो क्या होता है कि आपके एड्स जो है शो होना बंद हो जाते हैं आपके मोबाइल में उस आईपी के लिए। कुछ केसेस में ऐसे होते हैं, आपको चेक करना है किसी और के मोबाइल से और देखिए कि आपका एड्स शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एड्स नहीं आ रहे हैं तो देखिए आपका जो वेबसाइट है मोबाइल फ्रेंडली है क्या, वो सारी चीजें आपको चेक करनी है। उसके बाद वापस से मैंने जैसे कि बताया कि ये रीसेट करना है वो रीसेट कर देना है। अगर फिर भी नहीं आता है तो मैं आगे कुछ आपको मेथड बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। मेरे वेबसाइट पे ऐड क्यों नहीं शो हो रहा था अभी पता चला, मैंने एएमपी प्लगइन यूज करते हुए उससे स्टैंडर्ड मोड पे जब वेबसाइट था तभी कोई एड्स नहीं आ रहा था, अभी रीड मोड में लेके आया हूँ तभी से एड आ रहा है। देखिए यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जैसे कि उनका जो एड है वो आ नहीं रहा था, तो अगर आप लोग भी अगर एएमपी यूज कर रहे हैं तो आपको स्टैंडर्ड मोड पे आप अगर आप रखेंगे तो आपका जो एड है वो नहीं आएगा, इन्होंने ऐसा बताया। जब भी आप रीड मोड पे रखेंगे तो आपके वेबसाइट पे एड्स आएगा, तो ये चीज को देखिए इन्होंने एक्सपीरियंस किया है। गाइस मैं आप लोगों को सभी को बोलता हूँ कि जब भी कोई कमेंट करते हैं उससे पहले आप रीड कीजिए कमेंट को, हो सकता है आपका जो आंसर है उसके अंदर ही मिल जाए। मैं मानता हूँ कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन आप करना चाहते हैं वो मिल जाए, बट मे भी मिल सकता है, इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि एटलीस्ट एक बार गो थ्रू हो जाओ कमेंट्स पे, मे भी आपका आंसर मिल जाए। ओके गाइज, बस इतना ही मैं आप आज क्वेश्चन का आंसर दूंगा क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, बहुत सारे कमेंट्स हैं और बहुत लोगों का प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व किया है मैंने, और आप भी कमेंट कर सकते हो, आपका आंसर 110% मिल जाएगा। चलो फिर गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।